इन दिस वीडियो ईरान का सबसे यूनिक खाना आपको देखने को मिलेगा। आज शफात बिरयान के लिए भीड़ है, आप देख सकते हैं। उसके सबसे ऐतिहासिक शहर और 100-400 साल पुराने हिस्टोरिकल रेस्टोरेंट और बहुत सारा लजीज पर्शियन खाना, यकीन मानिए आपकी जुबान से दिल तक उतरने वाला है। हा? लेकिन पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। हमारा सफर शुरू होता है ईरान की राजधानी तेहरान से। मारंजीब रेगिस्तान से लगभग 450 किलोमीटर का सफर कर हम आए हैं ईरान के सबसे ऐतिहासिक शहर इस्फहान। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास हजारों सालों का है और जिसे यहाँ के लोकल्स कहते हैं नस्फ जहां। मतलब अगर आपने इस्फहान देखा तो आधी दुनिया देख ली। इतना एक खूबसूरत है। आज हम इस इस्फहान में डीप जा रहे हैं। इस्फहान का यूनिक फूड कल्चर जो इसे बाकी ईरान से अलग बनाता है। That's great. Oh, it's pure Zafran. हजारों लोगों के लिए खाना बनाने से लेकर हिंदुस्तान के मेहमान को खाना खिलाने तक, और इन सब की शुरुआत होती है यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत जगह की खूबसूरत सुबह से आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं हूँ नक्शे जहाँ स्क्वेयर और पहला हमारा स्टॉप होगा हाज मिर्जा कैफे। सलाम। यस यस, ईरानियन लोगों की बात मुझे काफी पसंद आई। हर कोई आपको खाने के लिए पूछेगा या अपना खाना शेयर करेगा। इस्फहान का जो ट्रेडिशनल फूड है गुशफील, वो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। भाई बोल रहे एलिफेंट का ईयर है, सॉरी एलिफेंट का ईयर है। It looks like elephant. Not real ear of elephant. So भाई यहाँ का जो है काश के बादाम जान और डुक फील हम ट्राई करने वाले हैं। हाज मिर्जा कैफे बहुत ही एंटी, आपने देखा म्यूजियम काइंड ऑफ अ कैफे है। काश के बादाम जान जो बनाया जाता है बैंगन को अच्छे से रोस्ट करके, उसमें रोस्ट किया हुआ लहसुन प्याज तिल सॉस और दही, और इसे अच्छे से मैश कर इसके अंदर टोमेटो शिमला मिर्च काश के साथ इसे परोसा जाता है। खुश मजे। ये दिखा रहे हैं हमें कैसे खाना होता है। खुश मजे। ओके ओके, बाय बाय बाय। यहाँ ईरानी लोगों का इतना प्यार मिला कि ये कैसे खाते हैं वो भी सिखाया और खाना भी खिलाया। ओके वो भाई पूरा उन्होंने खाना बता दिया, किस तरीके से खाना है खिला भी दिया। मामनून यस यस भाई, यहाँ पे लोग भाई सिखा रहे खाना। ओके मामनून। मज़ा आ गया एकदम, मतलब खुश मज़े। थैंक यू। सो यहाँ पे लोग जो है दूग और गुशफील का कॉम्बिनेशन जो है वो खाते हैं। ये थोड़ा खट्टा है और ये मीठा है, सो ये थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। ये जलेबी जैसा है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो, और ये जो है हमारे छाछ जैसा है। और बड़ा ही यूनिक
और बेहतरीन कॉम्बिनेशन यहाँ पे खाने को मिला है, मज़ा आ गया भाई लिटरली। सी यू बाय, खुदा हाफिज़, खुश मज़े। ओके बाय बाय, खुदा हाफिज़। या हमारा अगला खाना है इस्फहान का आइकॉनिक डिश बेरिया और बहुत ही लजीज अब गोश्त। इस्फहान ईरान के दिल में बसा हुआ एक शहर जहां इतिहास, संस्कृति और व्यापार मिलते हैं। इसके दिल में बसता है नक्शे जहां स्क्वायर, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इस बहुत ही विशाल और खूबसूरत स्क्वायर में सफवीद साम्राज्य का एक विशाल बाजार, अपने हलचल भरे स्टॉलों के साथ सदियों से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा है और आज भी शानदार ईरानी वास्तुकला से लेकर मसाले, ज्वेलरी से लेकर कारपेट्स तक सब कुछ यहाँ मिलता है। सो एक नए मॉडर्न शॉपिंग मॉल की तरह हम इस बाजार को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाजार जो है वो पुराने जमाने का जो स्टेट था उसका, स्टेट का इकोनॉमी का पावर दर्शाता था, तब का बाजार है ये। इसको इन्होंने आज कन्वर्ट किया है आज के नए शॉपिंग मॉल्स में, और यहीं पे हमारा लंच भी होने वाला है। इस ऐतिहासिक बाजार के ऐतिहासिक रेस्टोरेंट में हम खाएंगे इस्फहान का बेरियान, जो कि इंडिया के बिरयानी से बिल्कुल अलग है। और जब बात हो इस्फहान के बेरियान की, तो 120 साल की परंपरा वाले हाज महमूद शफात का कोई मुकाबला नहीं। हाज महमूद शफात बिरयान के लिए भीड़ है, आप देख सकते हैं। 1905 से फराज भाई के पीढ़ियों से यहाँ बेरियान बन रहा है। बेरियान बनाने का बहुत ही खास तरीका है। एक तरफ भेड़ के मांस को अच्छे से बॉईल किया जाता है और उबले हुए फैट को इस मिंसिंग मशीन के अंदर डालकर अच्छे से पीसा जाता है। पीसा हुआ फैट उबले हुए भेड़ के मांस के साथ मिंस करके वापस इसे पीसा जाता है। सिमिलरली भेड़ के लीवर को भी उबाला जाता है। बोल रहे कुक्ड है। इसका टेस्ट बहुत ही अजीब है, क्योंकि ऐसे बॉइल्ड लीवर मैंने पहले कभी नहीं खाया। लैम का बॉइल्ड लीवर, वाओ। ओके, ही लाइक दिस, यू? उन्होंने भाई पूरा खा लिया। और उसको भी इस बेहतरीन मिंसिंग मशीन से अच्छे से पीसा जाता है। भेड़ के उबले हुए मांस, फैट और लीवर को अच्छे से पीसने के बाद अब एक्चुअल खाना बनाने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन उससे पहले हम ट्राई करेंगे इस्फहान का अब गोश्त। मटन की स्टीम पर पके हुए ईरानियन ब्रेड सैंगेक को अच्छे से चूर कर उसके ऊपर डाला जाता है विशेष तरह का पारंपरिक ईरानियन मटन सूप। ये परोसा जाता है मटन जूस, काश्क, फैट, सिनेमन, टोमेटो, मिंट और बेहतरीन केसर के साथ। मीठी जूसी अब गोश्त। ये आ गया हमारा बिरयान और अब गोश्त, और इसको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिक्स कर रहा हूँ। बस दिखने में ही इतना डेलीशियस लग रहा है यार। अच्छे से नींबू डालो, ठीक है? आहा, सो लेट्स हैव इट। जबरदस्त मीट का जो सूप है, वो सूप, ज़ैफ़रॉन, एवरीथिंग, मेरे पास शब्द नहीं है। खुश मज़े, पहली खुश मज़े भाई। अभी हम इस्फहान का जो है बहुत ही ऑथेंटिक कुजीन ट्राई करने वाले हैं, वो भी बहुत ही ऑथेंटिक जगह पे। बेरियान बनाना शुरू होता है पिसे हुए मटन के साथ। पिसे हुए मांस में पुदीना और केसर का तेल डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है और इसके बाद इसको अच्छे से पकाया जाता है। फिर ये परोसा जाता है सैंगक ब्रेड के ऊपर लंग मीट और केसर के साथ।
बिरयान, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। ये बिरयानी यहाँ की है, इस्फहान की, इंडिया की नहीं। इंडिया की बिरयानी राइस वाली होती है। ईरान के मीट की मैंने खास बात बताई आपको, आपको मीट की टेस्ट आएगी। हमारे यहाँ पे कैसे मसालों से टेस्ट आती है मोस्टली, लेकिन यहाँ पे जो है ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए, सिनेमन, सैफ्रन और मिंट बस इतना ही यूज किया है। तो आपको मीट की टेस्ट जो है वो ज़्यादा हैवी होती है खाने के ऊपर। हमारे यहाँ के चास जैसा ही है दूक, जो कंपलसरी है फारसी खाने के साथ। यहाँ से जल्दी निकलना ज़्यादा सही है क्योंकि मेरी वजह से लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई यहाँ पे। और फराज भाई जो ओनर है इस होटल के, वो बता रहे थे कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है पार्सल लेके जाते हैं। भाई साहब पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा बाहर लाइन लगा है। ओहो यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं और फराज भाई जो है यहाँ पे बिल ले नहीं रहे। मैंने बहुत बार बोला इनको लेकिन द बिरयान खुश मज़े दिखाई दी, खुश मज़े। ओके थैंक यू सो मच, मामनून। या बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई यहाँ पे, अभी हम से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है तो यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है, आप देख सकते हैं। और फराज भाई ने जो है बिल तो लिया नहीं यार, पैसे मैं बहुत बार बोल रहा था लेकिन उन्होंने लिए नहीं। सो क्या ही बोले, सलाम सलाम। ये देख रहे हैं हाज महमूद शफात बिरयानी के लिए भीड़ है, आप देख सकते हैं पूरा उस बिरयानी के लिए भीड़ है जो इतना यहाँ का फेमस है। सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, लेट्स गो। सलाम सलाम। सो भाई अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है शहरजाद रेस्टोरेंट, हिस्टोरिकल रेस्टोरेंट है यहाँ का। सो अभी हम शहरजाद रेस्टोरेंट जाएंगे एंड खोरेशमास, खोरेशमास इस्फहान, इस्फहान का खोरेशमास बिरयानी, बिरयान बिरयान तो हमने खा ली है, बिरयान खुश माजे खाई ली, खाई ली खुश माजे। या सो भाई अभी हम इस्फहान के वन ऑफ द हिस्टोरिकल रेस्टोरेंट में बैठ के हम अभी खाने वाले हैं खोरेशमास। बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुली डिज़ाइंड, एवरीथिंग इज़ नीट एंड क्लीन, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है यार यहाँ पे। एम्बियंस इतना बेहतरीन है और इस बेहतरीन एम्बियंस के साथ हम ट्राई करेंगे खोरेशमास, जो इस्फहान का स्पेशल डिश है, जो इस्फहान का स्पेशल डेजर्ट है। ये आपके लिए। सो ओह वाओ भाई, हमारे यहाँ पे जो श्रीखंड मिलता है महाराष्ट्र में स्पेशली, उसके जैसा है लेकिन यार बहुत ही रिच स्वीट टेस्ट है इसका, इस खुश माजे। ये स्वीट जो है ये मीट से बना हुआ है, बहुत ही बेहतरीन स्मूथ, आपको लगेगा ही नहीं इसके अंदर मीट है, ये बहुत ही स्मूथ इन टेक्सचर है। इस्फहान स्पेशल स्वीट, इसको कहा जाता है गैज, ये आपको सो भाई गैज राइट, गैज बादाम, बादाम स्टिकी सा है, हल्का सा और स्वीट, बेहतरीन स्वीट है यार ये भी, मज़ा आ गया। खुदा हाफिज़, ओके बाय 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 बाय।
Excuse me? Mr. Tehrani. Mudir. Mr. Tehrani. Mudir restaurant. Ah, Mudir. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you. Khuda hafiz. Khaili khush maze. Okay. Okay. Mamnoon. Khuda hafiz. Okay. Huh? Okay. So let's go. और हमारा अगला खाना है इस्फहान का फास्ट फूड। Okay. खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सलाम। और ईरान की खास बात मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पे KFC, McDonald's, Burger King जैसे फास्ट फूड चेन्स नहीं मिलेंगे। यहाँ आपको ये मटन सैंडविच लोकली मेड रेस्टोरेंट्स में ही मिलेंगे। आहा, लगता है अब खाने में मज़ा आएगा आज तो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। ओ भाई साहब, और फाइनली टोमेटो। टोमेटो जबरदस्त। ओके, यस, रेडी अरगू सैंडविच जो अभी हम खाने वाले। भाई साहब, भर भर के सैंडविच, पूरा मीट, टमाटो और वेजिटेबल्स और चीज़। बहुत मज़ा आने वाला है आज। मुझे लगता है जैसे मैं ईरान आया हूँ, एक से बेहतर एक खाने मिल रहे हैं यहाँ पे, और क्या ही चाहिए। जबरदस्त। तो इसके अंदर जो मीट है वो सॉफ्ट है, उसके साथ वेजिटेबल्स और बाकी जो सॉसेस है उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही सही है। खाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा मिस्टर टेस्टर का, जिनकी वजह से ये बहुत ही बेहतरीन ईरानियन पर्शियन कुजीन पॉसिबल हो पाया। लगभग नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरा ईरान का खाना हमने कवर किया है आने वाले सारे एपिसोड में। उनका यूट्यूब लिंक और इंस्टाग्राम अकाउंट मैं नीचे डाल रहा हूँ, प्लीज चेक इट आउट। रिसर्च, स्टोरी टेलिंग, फिल्मिंग से लेकर एडिटिंग तक बहुत मेहनत लगी है इस सीरीज़ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, ताकि हम इसी तरह से बहुत ही यूनिक, हटके, बियॉन्ड द बाउंड्रीज कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ।